टर्मिनल 3 पे तो अभी बोर्डिंग हो गई है, अभी जाना है वेटिंग रूम में गेट नंबर की तरफ, एक पार्सल गेट की तरफ। तो बस मैंने कहा थोड़ी सी है वो भी दिखाऊँ, एयरपोर्ट की झलकियाँ दिखा दूँ, तो साथ रहें और इंजॉय कर भी लाता हूँ। Thank you.
हमारी फ्लाइट है दोहा कतार की, D19 गेट साइन हुआ है, तो अभी चलते हैं D19 गेट पे। तो गाइस ये था दुबई एयरपोर्ट, आप लोगों ने देख लिया होगा, काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट है। और ये तो मैं टर्मिनल 3 पे आया था, टर्मिनल 3 और फिर डायरेक्ट चेक इन और उसके बाद फिर बोर्डिंग पास और फिर ये इधर सिक्योरिटी चेक हो गई और जो उसके बाद हम लाइक यहाँ पे डिपार्चर गेट के लिए पर एक मेट्रो टाइप वो उसे बैठे हो वहाँ से फिर आए। तो गैस आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइक दुबई मल्टी कल्चर और बहुत बड़ी सिटी और जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऑब्वियसली बात इनका जो एयरपोर्ट भी है वो भी काफ़ी बड़ा है और उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। तो बस गैस मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा दुबई का जो ये वॉकिंग टूर था एयरपोर्ट का। उम्मीद है आप लोगों को ये जो व्लॉग था अच्छा लगा होगा। तो बस इस तरह की मजीद व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। गाइस मोटिवेशन चाहिए तो 10,000 तो पूरे कर दें आप। तो चलो बस मैं अभी यहीं पे ये व्लॉग एंड करता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दोहा में, अभी मेरी फ्लाइट है यहाँ से दुबई से कतार दोहा की, तो वहाँ पे मेरा स्टे है, लॉन्ग स्टे, तो देखते हैं वैसा होने अराइवल मिला तो फिर इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और आप लोगों को भी दोहा के नज़ारे दिखाएंगे। तो बस साथ रहें और वेट करें नेक्स्ट व्लॉग का। तो तब तक के लिए काशिफ की तरफ से अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।